बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने फूड हैबिट के आधार पर एनिमल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स उसको कहते हैं जो सिर्फ प्लांट को खाता है, प्लांट के प्लांट प्रोडक्ट को। कार्निवोर्स जो एनिमल के फ्लेश को खाता है, और ओमनीवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है, प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल के फ्लेश में भी सब खाता है, उसको ओमनीवोर्स कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग होता है क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है और हेटरोट्रोफ होता है, ये अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है। तो ह्यूमन बीइंग, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मतलब आज हम लोग अपने बारे में जानेंगे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्या होता है, मेन जो है हेटरोट्रोफ होता है, मतलब अपने भोजन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर डिपेंड करता है, प्लांट पर डिपेंड करता है, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम शुरू करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना होता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड का। इट इन्वॉल्व मेस्टिकेशन, स्वलोइंग, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टिव मैटर। तो बताओ बच्चों, हम लोग जब फूड लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले मेस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद उसको निगलते हैं, स्वलोइंग करते हैं, उसके बाद क्या कहाँ जाता है, ओसियोफेगस के थ्रू स्टोमेक में जाता है, जहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है। एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट का डाइजेशन तो माउथ में शुरू हो जाता है, जिसको हम आगे डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ब्रीफ बताते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, उसके बाद स्वलोइंग होता है, उसके बाद कहाँ चला जाता है, डाइजेशन होता है, और उसके बाद जो डाइजेस्टिव जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है वो बाहर चला आता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसका दो पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये इन्वॉल्व होता है मेस्टिकेशन, फूड का क्या होता है मेस्टिकेशन, उसके बाद स्वलोइंग, डाइजेशन ऑफ फूड और एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टिव मैटर। जो हमारे अनडाइजेस्टिव मटेरियल है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टिव मैटर को। तो एलिमेंट्री कैनाल को सबसे पहले पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और उसका संक्षिप्त में आज हम पढ़ेंगे, इसको फिर से आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं कि इसका कौन कौन सा पार्ट है। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या है, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब। क्या होता है, एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहां से शुरू होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से शुरू होता है और एंड कहां पर होता है, एनस पर। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो शुरू होता है कहां से, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से, हमारा ये माउथ है, माउथ से शुरू हुआ और इसका एंड कहां होता है, एनस में जाकर। तो इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट, इसका देखो कौन कौन सा पार्ट है। तो एलिमेंट्री कैनाल को पहले हम डिवाइड किए फाइव पार्ट में, माउथ, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, माउथ बक्कोफेरेंजियल कैविटी, फिर ओसियोफेगस, फिर स्टोमेक, फिर इंटेस्टाइन। फिर इंटेस्टाइन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड किए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन पार्ट में डिवाइड किए, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन को भी तीन पार्ट में, सीकम, कोलोन, रेक्टम। फिर से देखो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किए सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद बक्कोफेरेंजियल कैविटी,
ओसियोफेगस स्टोमेक इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन को ही लोग रेट करके मैंने देखा इसका तीन पार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन दो पार्ट, इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं छोटी याद बड़ी याद। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर, डियोडिनम जेजुनम और इलियम में। लार्ज इंटेस्टाइन को सीकम कोलोन रेक्टम। बच्चों खुद तुम लोग फील करो, तुम लोग पहले क्या करते हो, फूड को क्या कहाँ रखते हो, पहले माउथ में ले जाते हो, माउथ के अंदर क्या है, माउथ को हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। माउथ में फूड गया उसके बाद क्या है, मास्टिकेशन, क्या कहते हैं, टीथ के मदद से, टीथ क्या करे, क्रशिंग ऑफ फूड करता है। तो टीथ के मदद से क्या होता है, क्रश करते हैं फूड को। और यहाँ पर क्या है, एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवा का सीक्रेशन होता है माउथ में, समझे। उसके बाद ये, उसके बाद क्या करते हैं, कमेस्टिक फूड का मेस्टिकेशन हुआ माउथ में, उसके बाद क्या करते हैं, निगल जाते हैं भोजन को, स्लोइंग करते हैं। तो यहाँ पर एक पाइप है, माउथ से गया अंदर बकोफेरिंजियल कैविटी में, उसके बाद ये चला गया एक पाइप है ओसियोफेगस। और ये ओसियोफेगस में भोजन क्या है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता है। इसको मैं आगे जो भी बात है इसको मैं फिर से आगे डिटेल में पढ़ूंगा। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है ओसियोफेगस में, उसके बाद ये चला जाता है फूड हमारा स्टोमेक में, स्टोमेक में डाइजेशन होता है, वहाँ बहुत सारा एंजाइम का सेक्रेशन होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल। फिर स्टोमेक के बाद कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड जो हम लिए उसका सिंपल फॉर्म में जाके डाइजेस्ट होकर सिंपल फॉर्म में हुआ, सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म में, उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको एब्जॉर्ब किए, वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो हमारे ये डाइजेस्टेड फूड तो चला गया, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया अनडाइजेस्टेड फूड, उसको हम क्या करते हैं, एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस फिगर को देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, मान लो कि कोई ये कोई राजू नाम का लड़का है, उसके बारे में हम चर्चा करें। राजू ने क्या किया, पहले भोजन किया, तो भोजन मान लो इसका ये भोजन है, भोजन किया राजू, तो कहाँ ले गया भोजन, ये इसका कॉम्प्लेक्स फूड था। मान लो राजू चावल दाल खाया, कहाँ खा के कहाँ पहले ले गया, माउथ में, माउथ के थ्रू यहाँ पर बकोफेरिंजियल कैविटी है, यहाँ पर क्या होगा, भोजन का मेस्टिकेशन होगा, फूड का क्रशिंग होगा, टीथ के मदद से सलाइवा के ये बहुत सारे एंजाइम सलाइवरी वाले एंजाइम यहाँ रहता है टंग के मदद से। उसके बाद यहाँ क्या हुआ है, भोजन को निकल लिया, स्वलोइंग किया। तो क्या किया, भोजन राजू ने लिया तो सबसे पहले क्या किया, मेस्टिकेशन किया। उसके बाद जब भोजन को चबा लिया उसके बाद क्या किया, स्वलोइंग निकल लिया। उसके बाद क्या होगा, ये फूड यहाँ ओसियोफेगस में आएगा। देखो ये माउथ था, इसी को बकल कैविटी बोले, यहाँ टंग है और यहाँ सलाइवरी ग्लैंड है जो एंजाइम सेक्रेटर सलाइवरी माइलेज। इसके बाद ये भोजन ओसियोफेगस में गया जो क्या है, फूड पाइप, यहाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। इसके बाद मान लो ये भोजन जो लिया राजू, ये मान लो भोजन यहाँ से निकलते हुए यहाँ, ये देखो भोजन आ रहा है, अब ये भोजन स्टोमेक में पहुंच गया, यहाँ पर डाइजेशन हुआ, यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, इसको क्या हुआ, सिंपल फॉर्म है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है। तो आज हम ब्रीफ कर रहे हैं इसका, अब फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में पढ़ेंगे माउथ से जो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, उसके बाद जो सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म में है, देखो यहाँ पेनक्रियाज है, पेनक्रेटिक जूस रिलीज करेगा, इधर लीवर है, लीवर जो है बाइल जूस रिलीज करेगा, जो टेम्पोरेरी स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर बाइल। अब ये क्या हुआ, डाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा फूड का। उसके बाद कहाँ चला गया, ये सीकम कोलोन, उसके बाद रेक्टम एनस। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो डाइजेस्टेड था उसको एब्जॉर्ब कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ये कहाँ, जो डाइजेस्टेड मटेरियल तो यहाँ चलेगा, अनडाइजेस्टेड जो था वो देखो लार्ज इंटेस्टाइन में आया, इधर से होते हुए रेक्टम में, और रेक्टम से फिर एनस से बाहर। तो क्या किए, मेस्टिकेशन ऑफ फूड हुआ, उसका स्वलेन किए, उसका फूड का डाइजेशन हुआ, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ
अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो राजू ने जो भोजन खाया उसको कहां चबाया, यहां, उसके बाद स्वलयन किया, उसके बाद डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ इंटेस्टाइन में, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो फिर कहां होगा, एनस से बाहर हो गया। तो ये सब कहां हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में। तो इस फिगर को ध्यान रखो। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आज क्या पढ़े, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका दो पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा इसको ब्रीफ कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से एक एक पार्ट को हम पूरी तरह से देखेंगे। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, मेस्टिकेशन, स्वलोइंग, डाइजेशन ऑफ फूड, एलिमिनेशन ऑन डाइजेस्टिव मटेरियल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या, एलिमेंट्री कैनाल एक बेसिकली लॉन्ग ट्यूब है, एक्सटेंडेड कहां से, माउथ से शुरू होता है और एनस पर खत्म होता है। एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया माउथ, माउथ को एक क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, माउथ फिर बक्कोफेरेंजियल कैविटी, फिर ओसियोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो पार्ट में डिवाइड किया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट, डियोडिनम, जेजुनम, इलिया, और लार्ज इंटेस्टाइन का सीका, कोलोन, रेक्टम। हम लोग पढ़े थे और क्या, माउथ मान लो ये भोजन लिया, भोजन को क्या किया, मेस्टिकेशन किया, पहले चबाया, उसके बाद निकला भोजन को, स्वलयन किया, उसके ओसियोफेगस से भोजन कहां चला गया, जिसको हम कॉम्प्लेक्स फूड को फूड लिए थे, उसको यहाँ स्टोमेक में कुछ देर रहा, फिर यहाँ पर आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर चला गया। और एक एक पार्ट को हम आने वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चों साथ साथ एनसीईआरटी को पढ़ो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों को। धन्यवाद।